कहते हैं प्यार की उम्र और सीमा नहीं होती, कब कहां और कैसे हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा ही मामला प्रेम की नगरी ताज नगरी आगरा के बार क्षेत्र में देखने को मिली, जहां एक दूसरे के सेवा कार्य से प्रभावित होकर गांव फरेरा निवासी पूर्व उपायुक्त माता प्रसाद सेतिया उम्र करीब 80 वर्षीय होगी। वहीं मुंबई अंधेरी वर्षवा निवासी सेवानिवृत्त प्राचार्य भावेश्वरी की उम्र 70 वर्षीय होगी। बीते 22 अप्रैल को शादी रचा ली। 4 दिन पूर्व दोनों ने गांव आकर वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू करा दिया। आपको बता दें कि पूर्व उपायुक्त माता प्रसाद निर्मल प्रेम मेमोरियल सोसाइटी बनाकर शिक्षा स्वास्थ्य और क्षेत्र में समाज सेवी कर रहे थे। वे दोनों बुजुर्ग दंपति की प्रेम कहानी ही कुछ अलग है। इसमें ऐसा था कि हमने जो है ना, चूँकि अपना जो रजिस्टर संस्था थी उसके अंतर्गत जो हमारा शिक्षा स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा स्वास्थ्य और सेवा कर, तीन हमारे उद्देश्य थे संस्था के अंतर्गत काम करने के। इसको हमने संस्था रजिस्टर होने के बाद जो है ना, इसको हमने नेट पे डाला। तो उस नेट पे डालने से जो है ना, हमारे इनका जो जीवन साथी जो हमारे हैं, हाँ, मुलाकात हुई आपकी, मुलाकात हुई और उनको उन्होंने नेट पे देखा तो उन्होंने हमसे संपर्क किया जी। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना एनजीओ कोई नहीं जाना चाहता, ना सरकार जो है ना इन चीज़ों पे ध्यान देती है, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, इसलिए आप हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़े। तो आपने उसी के सहारे आपने अपने जीवन साथी चुन लिया उनको। उसके बाद जब वो उन्होंने यहाँ देखा और उनकी फैमिली में पूरी फैमिली डॉक्टर है जी जी जी, उनके 2 भाई फॉरेन में हैं, विदेश में हैं जी जी, उनका एक बच्चा बच्ची है वो पायलट है, दूसरे भाई है उसकी जो है ना बेटा है डॉक्टर है फॉरेन में, और तीसरे नंबर का भाई है उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर है, खुद जो है ना आपके IVF डॉक्टर हैं, उनका उनकी पत्नी जो है आपके गायनिक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और दोनों बेटे जो है ना वो भी डॉक्टर, मतलब मेडिकल फैमिली है उनकी, सबकी फैमिली जो है ना। अच्छा सर जी, ये बताओ जो आपसे मुलाकात हुई तो कितने दिन बाद आपसे ये मुलाकात करके शादी का प्रस्ताव रखा आपने? करीब करीब जो है ना मुलाकात हुए 7-8 महीने पहले मुलाकात हुई। अच्छा। उसके बाद जो है ना उन्होंने ये अपने फैमिली को बताया कि इस तरह से मैं उस वहाँ के एनजीओ से जुड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि भई आप अकेले वहाँ जो है ना जुड़ेंगे, आप महिला हैं, लोग आपको जो है ना वहाँ कैसे काम कर पाओगे। मैडम जी आपका अपना परिचय दीजिए। भाग्यश्री शर्मा, मेरे 3 भाई और 1 बहन है। मेरी बहन पूना में रहती है, वो रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल है, और मेरा भाई डॉक्टर है, IVF डॉक्टर, भाभी डॉक्टर है, और मेरे दोनों भतीजे डॉक्टर हैं। मेरा एक भाई ऑकलैंड में रहता है और एक भाई न्यूजीलैंड में रहता है, वो IPL के लिए काम करते हैं, और मैं बॉम्बे में पैदा हुई। भाई भाई के बच्चे क्या थे?